ट्रक चलते हुए पता नहीं किस पर लगे नहीं थे गाया है। अरे हमारे पास सबसे सही साधन तो आई गए ना तो गांव में मतलब पूरा गांव चल जाएगा। मध्य प्रदेश के उज्जैन जिले के खाचरोद में शनिवार रविवार की रात गोवंश से भरी लोडिंग आशर में आग लगने से 15 गोवंश की मौत हो गई। ग्रामीणों ने अपने प्रयासों से कुछ गोवंश को बचा लिया, इन्हें गोपाल गौशाला भेजा गया है। हादसे के बाद आशर का ड्राइवर मौके से भाग निकला। दरअसल फरनाखेड़ी और घिनोदा के बीच से गुजर रही लोडिंग आशर के पहिए में एकाएक आग लग गई। आशर में 56 मवेशी भरे थे। ड्राइवर ने वाहन रोक कर आग बुझाने का प्रयास किया लेकिन भड़क गई। देखते ही देखते इसने भीषण रूप ले लिया। वाहन के अंदर ठूस ठूस कर भरे मवेशी इससे जलने लगे। यह देखकर ड्राइवर ने खेतों के रास्ते से दौड़ लगा दी। ग्रामीणों ने जलते वाहन से गोवंशियों को निकालने का प्रयास जारी रखा। आखिर में 39 मवेशियों को बचा लिया। मौके पर नागदा, बड़ाबदा और खाचरोद की फायर ब्रिगेड पहुंची और ट्रक की आग बुझाई। प्रत्यक्षदर्शी ने बताया कि हम लोग दुकान पर बैठे थे, आयशर गाड़ी चलते हुए आई और थोड़ी दूर पर जाकर खड़ी हो गई। अंदर आग लग रही थी, गाड़ी के अंदर कोई नहीं था। कल ट्रक जा रही थी, भरत ने फोन लगाया हमारे गांव में और चलते हुए ट्रक जा रही थी, आगे जाके रुक गई। यहाँ आने के बाद देखा तो गाड़ी में तो कोई नहीं मिला। गाड़ी में देखा तो गाड़ी में से आवाज़ आ रही थी, गायें निकली जली हुई थी। 15 गाय तो जल मर गई। कितने बजे की घटना थी? 11:30-12 बजे। दूसरे प्रत्यक्षदर्शी ने बताया कि गाड़ी में कोई नहीं था और आग लगी हुई थी, 15 मवेशी मर चुके थे। हम दुकान पे बैठे थे, भरत भैया ने फोन लगाया, आयशर गाड़ी आई जलती हुई उधर से, वहाँ पे जाके खड़ी हो गए। अंदर जाके देखा कोई भी नहीं था, पशु थे 30-35 पशु थे, उसमें से 10-15 पशु जल गए, बाकी जो निकाल के भगा दिए गाड़ी में। तीसरे प्रत्यक्षदर्शी भरत गुर्जर ने बताया कि वह दुकान से घर जा रहे थे, इसी दौरान आयशर वाहन के अगले पहिए जल चुके थे। गांव वालों को फोन कर बुलाया और बचे मवेशियों को बाहर निकाला। कल घटना कैसे हुई थी? मैं जब दुकान की तरफ से घर की तरफ जा रहा था तब रोड में एक गाड़ी आगे के पहिए जलते हुए जा रहे थे। मैंने देखा गाड़ी जल रही, तो जाके पास में देखा तो गाड़ी में कोई नहीं था, सिर्फ गाड़ी जल रही थी। मैंने गाँव में फोन लगा, 2-4 जन गाड़ी जल रही थी, फिर आए थोड़ी देर बाद पता चला कि अंदर से पशुओं की आवाज़ आ रही। फिर मैंने और मेरे भैयों को फोन लगाया, आई और हमने पुलिस को कंफर्म करा और गायों को बचाया। करीबन रात की 11:30-12 बजे की गाड़ी की बात। भाई क्या हुआ? मेरी बात सुनो, वापिस हम पास में आए, देखे गए उस बात को, करीबन 10-15 मिनट हो गए। चलो उसके बाद फोन लगा फायर ब्रिगेड, चलो वो बात भी हो गई, ठीक लग गया पुलिस ने, जिसके बाद वो मदद, चलो वो बात भी हो गई ठीक है। फिर हमने यूँ बोला था गांव के जस्ट पास में, गांव में भी आग लगने की संभावना है सर। हाँ तो क्या साधन तो आई गए ना तो गांव में मतलब पूरा गांव चल जाएगा। अच्छा हुआ आग लगी सर, थाना प्रभारी रविंद्र यादव ने बताया कि आयशर के टायरों में आग लगी थी, इसी कारण मवेशी जले। स्थानीय लोगों ने बचे मवेशियों को बाहर निकाला और इन्हें गौशाला भेजने में मदद की। ड्राइवर गाड़ी से भाग निकला। इस मामले में पशु क्रूरता अधिनियम का प्रकरण दर्ज किया गया है। देखिए रात में हमें जो है भरत गुर्जर नामक व्यक्ति द्वारा सूचना मिली कि एक जो गाड़ी है उसके अंदर आग लगी हुई है और कुछ जानवर है। जो हम लोग घटनास्थल पर पहुंचे, पूरा प्रशासनिक अमला पहुंचा और फायर ब्रिगेड वगैरह सभी पहुंचे, और जो वहां हम लोगों से चर्चा में चौकीदर्शियों से जो है हम लोगों को ज्ञात हुआ कि वो गाड़ी में जो है उसके टायर में आग काफ़ी पहले से लगी हुई थी, तकरीबन जो है उन लोगों ने देखा, और वो गाड़ी जो है उसी स्थिति में आगे जाके तकरीबन 0.5 किलोमीटर रुक गई। जब ये लोग पीछे से गए तो केबिन में कोई नहीं था, और चूंकि हवा वगैरह काफ़ी तेज थी तो आग काफ़ी तेज़ी से फैल गई थी, तो उन्होंने जो है सूचना दी। स्थानीय लोगों ने जो है तत्काल अच्छी बेहतर कार्रवाई करते हुए उनके द्वारा जो है गाड़ी में जो भी जानवर वगैरह जो गाय और बैल केड़े भरे थे उनको खोल के निकाला गया। पुलिस प्रशासन वगैरह पहुँचा मौके पर, सभी को जो है उसका नाम की मदद करके जो उनको निकाला गया है। रात्रि के अंधेरे में बहुत सारे जानवर जो थे वो चूँकि प्रारंभ में निकाले गए थे जो छूट के इधर उधर हो गए। ये जो है घटना के साक्षी हैं, चतुर्दशी साक्षी है, जिन्होंने प्रथम सूचना पत्र लेकर आई है वो भी साक्षी है,
उनका कहना है कि गाड़ी में आग पहले से लगी हुई थी, मतलब टायरों में, और वो कुछ दूर पे जाके रुक गई। वो किसी के द्वारा जो है जानबूझकर वहाँ आग लगाई गई, ऐसा कोई तथ्य उसमें नहीं है। उक्त घटनाक्रम पर थाना खाचरोद में अपराध क्रमांक 291/22, धारा 469 गोवंश वध प्रतिषेध अधिनियम, धारा 10(6) मध्य प्रदेश कृषि परीक्षण पशु अधिनियम और 11(1)(11)(घ) पशु क्रूरता अधिनियम का जो है दर्ज किया गया है, और जो है उसके आरोपी की तलाश के लिए एवं विवेचना के लिए अलग अलग टीमें भेजी गई हैं।